ज़ॉम्बीज़ ट्रेन पार्ट वन में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली सोन को लेकर अपने गांव जा रहे थे, लेकिन इन लोगों को जिस ट्रेन में बैठकर आगे जाना था वो ट्रेन स्टेशन से 1 किलोमीटर आगे जाकर रुक चुकी थी। इसलिए ये लोग उस ट्रेन में बैठने के लिए पटरी के किनारे किनारे जाने लगते हैं कि तभी इन लोगों ने देखा कि जिस आदमी को कीड़े ने काटा था वो तो एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका है और इस ज़ॉम्बी ने एक और आदमी को काट लिया जिससे ये आदमी भी ज़ॉम्बी बन गया। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये दोनों ज़ॉम्बीज गुल्ली बुल्ली और सोन के पीछे पड़ जाते हैं और अब आगे क्या हुआ वो देखते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन भाग ही रहे थे कि तभी इन लोगों को चूहापुर जाने वाली ट्रेन दिखाई देती है जो 1 किलोमीटर आगे आकर रुक चुकी है। सोन कहता है, वो देखो गुल्ली बुल्ली, ट्रेन सामने ही है, जल्दी चलो ट्रेन में बैठ जाते हैं इससे पहले कि वो दोनों ज़ॉम्बीज हमें पकड़ ले। कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन के पास आ जाते हैं और गेट के पास खड़े होकर पीछे देखने लगते हैं, लेकिन अरे ये क्या, वो दोनों ज़ॉम्बीज कहाँ चले गए, लगता है वो लोग बहुत पीछे छूट गए। तभी ये ट्रेन शुरू हो जाती है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि गुल्ली बुल्ली और सोन इस ट्रेन में चढ़ चुके हैं। ट्रेन के अंदर गुल्ली बुल्ली और सोन को ऐसा लग रहा है कि अब वो दोनों ज़ॉम्बीज इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो लोग तो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। सोन कहता है, आज तो हम लोग बच गए गुल्ली बुल्ली, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर वो ज़ॉम्बीज मुझे काट लेते तो मैं अभी कैसा दिखता। एक काम करो सोन, तुम ट्रेन से कूद जाओ और ज़ॉम्बीज के पास चले जाओ, फिर देखना वो लोग तुम्हें अच्छे से दिखा देंगे कि तुम ज़ॉम्बी बनके कैसे दिखोगे। नहीं गुल्ली बुल्ली, मैंने अपने मन में ही सोच लिया कि मैं ज़ॉम्बी बनके कैसा दिखूंगा, उसके लिए ज़ॉम्बी से कटवाने की क्या जरूरत है मुझे। तुम लोगों को पता है जब ज़ॉम्बी किसी को काटते होंगे तो उसे कितना दर्द होता होगा। बुल्ली कहता है, हाँ सोन वो बात तो है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अपने मन में ज़ॉम्बी बनके कैसे दिख रहे थे। अरे बुल्ली ये मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, ये तो खुद ही सोचने वाली बात है। ओ अच्छा, लगता है तुम भोंदू हो, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है इसलिए तुम कुछ सोच ही नहीं पाते हो। मुझे देखो, मैं अपना मुंह गोबर से धोता हूँ तो मेरा दिमाग कितना तेज है। बस करो सोन, दिन भर गोबर गोबर ही करते रहते हो, चलो अब चलकर कहीं बैठते हैं क्योंकि ये ट्रेन रात के 2 बजे हमें चूहापुर पहुँचाएगी। ये कहकर ये लोग कहीं बैठने के लिए जाने लगते हैं। कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन एक जगह पे बैठ जाते हैं। चाय 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 बोलो, चाय गरम गरम चाय, चाय बोलो चाय। सोन कहता है, अंकल चाय। क्या चाय, आगे तो बोलो, चाय चाहिए क्या तुम्हें। अरे अंकल आपने बोला ना चाय बोलो चाय, तो मैंने बोल दिया चाय, बाकी हमें कोई चाय नहीं चाहिए। चाय वाला कहता है, पागल हो क्या तुम लोग, मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, चाय नहीं चाहिए तो सीधे सीधे बोल नहीं सकते हो। ये कहकर ये चाय वाला यहाँ से चला जाता है। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, सबसे सस्ते समोसे ले लो गर्मा गर्म समोसे। गुल्ली समोसे वाले से कहता है, अंकल रुक जाइए, समोसे कितने रुपए का दे रहे हैं। समोसा फ्री है लेकिन चटनी का 20 रुपए लगेगा, चटनी मत दो। नहीं नहीं चटनी तो तुम्हें लेना ही होगा। सोन कहता है, लेकिन अंकल चटनी का 20 रुपए लगेगा ना, वैसे भी मुझे चटनी पसंद ही नहीं है, बाकी समोसा तो फ्री है ना, तो दे दो हमें फ्री में। सोन की बात सुनकर ये समोसे वाला यहाँ से चला जाता है, लगता है इसे डर लग रहा है कि कहीं सोन इसके समोसे छीन ना ले। गुल्ली बुल्ली मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो समोसे बहुत महंगा बेच रहा था, हमारे यहाँ तो 10 रुपए का एक समोसा आता है। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे सूसू लग गया है, मैं अभी करके आता हूँ। ये कहकर सोन ट्रेन के बाथरूम में सूसू करने के लिए जाने लगता है। लगता है सोन कभी नहीं सुधरेगा गुल्ली, वो समोसे वाले से ये तो पूछ लेता कि वो 20 रुपए में चटनी के साथ एक समोसे देगा या दो। इधर सोन बाथरूम को ढूंढते हुए आगे जा रहा है, अरे ये क्या सामने वो लोग खड़े क्यों हैं? चलो चलकर देखता हूँ। ये कहकर सोन वहाँ जाने लगता है। यहाँ आते ही सोन ये देखने की कोशिश करता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इसे तो अच्छे से कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए ये उछलकर सीट के ऊपर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। जल्दी भागो यहाँ से, ये तो ज़ॉम्बीज हैं जो एक दूसरे को काटकर उसे भी ज़ॉम्बी बना देंगे। ये सुनकर सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं।
अरे ये गेट किसने बंद कर दिया, जल्दी खोलो इसे। तुम लोगों को जोम्बी के बारे में मैंने बताया और मैं ही यहाँ फंस गया। ये कहकर सोन जैसे ही पीछे देखता है तो इसे पता चलता है कि इसे काटने के लिए चार चार जोम्बीज आ रहे हैं। लगता है अब सोन बचेगा नहीं। जल्दी खोलो गेट, कोई तो बचाओ मुझे। जैसे ही सोन इतना कहता है तभी क्या हुआ सोन, सारे लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं और तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो गुल्ली बुल्ली। ज़ॉम्बीज को देखकर गुल्ली बुल्ली भी डर जाते हैं। भागो सोन जल्दी यहाँ से। अरे ये क्या, ये सारे ज़ॉम्बीज तो दौड़ने लगे। दूसरे कोच में आते ही सोन इस गेट को बंद कर देता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ ही रुक जाते हैं। लगता है अब गुल्ली बुल्ली और सोन बच गए, लेकिन ऐसा सिर्फ इन लोगों को लग रहा है क्योंकि ये ज़ॉम्बीज ट्रेन के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर सोन और गुल्ली गेट को पकड़ लेते हैं ताकि ज़ॉम्बीज इसे तोड़ ना सके। देखो बुल्ली, दूसरी तरफ का गेट भी किसी ने बंद कर दिया है, जाओ उसे खोलने की कोशिश करो। ये सुनकर बुल्ली इस गेट के पास आता है और इस गेट को खोलने लगता है, लेकिन ये गेट तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। खोलो इस गेट को, कोई है उस तरफ? लेकिन बुल्ली के इतना कहने के बाद भी उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बुल्ली कहता है अब कुछ नहीं हो सकता गुल्ली और सोन, ये गेट कोई खोल ही नहीं रहा है। इधर ये सारे ज़ॉम्बीज पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है ये लोग इस गेट को तोड़कर ही मानेंगे या गुल्ली बुल्ली और सोन को खाकर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? जो भी होगा वो बहुत खतरनाक होगा, जो हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में मुझे टैग करते हुए लगाओ, मैं आपकी स्टोरीज को खुद की स्टोरीज में लगाऊंगा। तो ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगली वीडियो में आए तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर अपना नाम कमेंट कर दो।